हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज दिन है शनिवार। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है 8:30 और बच्चे मेरे चले गए हैं स्कूल। तो मैंने ना सारे घर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गई है, क्योंकि रोज रोज इतनी हवा चलती है ना, तो बहुत धूल मिट्टी आती है। तो मैं ना पहले करूँगी डीप क्लीनिंग, उसके बाद ही झाड़ू पोछा लगाऊंगी। क्योंकि पहले सारा जितना भी मेरे घर में लकड़ का जो सामान है ना, बहुत ज़्यादा है, तो उस पर ना धूल मिट्टी अच्छी नहीं लगती। तो वो ही साफ करना है सारे कुछ मैंने। और ये कमरा तो मैंने कर दिया है सेट। तो अभी बहुत सारा खलारा पड़ा हुआ है, पहले हम काम कर लेते हैं। मुझे पहले ये सारे साफ करने हैं और इस पर कपड़ा बिछाना है। तो गाइस, जहाँ से सारा सामान मैं उठा लूँगी, क्योंकि दो दिन पहले ही मैंने इसके कपड़ा जो बिछाया था तो वो सब धो दिए थे। तो फिर आज इसे साफ कर रही हूँ। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है रोज़ रोज़, तो जहाँ फिर कपड़ा बिछाना पड़ता है मुझे। तो अभी इसे सारा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने ना काफ़ी दिनों से कोई भी अपना रूटीन नहीं दिखाया, क्लिनिक वीडियो नहीं डाली। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि काम तो करना है, तो वीडियो का भी काम करना है, क्यों ना फिर यही शेयर किया जाए। और आप लोगों को पता ही है, जब हमारा YouTube पर काम है तो काम दिखाना ही है। तो इसलिए फिर मैंने ये सारा क्लिनिक कर दिया था क्लीन। तो क्योंकि जहाँ पर ना लॉबी में हमारे रोशनदान बहुत बड़ा है, तो आजकल बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए तो पहले मैं गीला कपड़ा फेरती हूँ, बाद में सोफा फेंक ना बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो एक दो दिन तो ऐसे ही फिर निकल जाते हैं साफ साफ ही। इसका भी जो छोटे वाले का था कपड़ा, वो भी धुआ है मैंने, तो जहाँ पर सारे कर दूँगी, क्योंकि लकड़ का जितना भी सामान है सारा मुझे साफ़ करना है। तो सारा जो इधर किचन का एरिया भी साफ़ करने वाला है। तो आज की मेरी वीडियो किचन क्लिनिक और सारा जो सामान है वो साफ करने की है। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं यात्रा पर गई थी, तो बस वहाँ की ही वीडियो जो मैंने बनाई थी वो ही डाल रही थी, तो रूटीन नहीं दिखाया था अपना मैंने। तो आज से मेरा रूटीन जो है वो स्टार्ट है। तो पहले ना मैं जहाँ पर अखबार बिछा लूँगी, तो उसके बाद ही ये ऊपर से कपड़ा बिछाऊँगी। क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा जाली वाला कपड़ा है, क्योंकि फिर भी इसमें धूल मिट्टी दिसी जाती है। अखबार बिछाई होगी तो फिर नहीं वो दिखेगा। तो ये देखिए, ये दोनों साफ़ हो चुके हैं और साफ़ करके मैंने सामान टका दिया। अब इसकी बारी है, ये भी मुझे सारा साफ़ करना है। तो पहले जो सामान है वो फ्लावर वगैरह वो सारे उठा लूँगी जहाँ से मैं। तो बच्चों का ना हाफ टाइम था, शनिवार की जो वीडियो है, तो कुछ किताबें वो निकाल कर चले गए थे, तो वो ही मैं रख रही थी। तो ये आज सारा साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि जब एक बार हम कुछ घर का काम शुरू कर देते हैं तो उसे पूरा ही करना होता है। तो इसलिए पहले सारा साफ़ सफाई करूँगी। तो वहाँ पर ना मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो फिर ये कुर्सी रख ली है मैंने, तो ऊपर चढ़ के ये सारा साफ़ करूँगी। क्योंकि ये जहाँ भी थोड़े थोड़े जाले वगैरह लगे हुए थे, तो अच्छे से फिर साफ़ हो जाएगा। ऐसे नीचे खड़ी रहूँगी तो नहीं होगा साफ मेरे से, तो जहाँ पर सारे साफ़ कर लूँगी। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि जी आप क्या वीडियो बना रहे हैं घर का काम। तो क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग का है, तो हमें तो ब्लॉग बनाना है, अपना रूटीन दिखाना है। इसलिए तो क्योंकि रेसिपी भी मैं कभी कभी दिखा देती हूँ, मगर मेरा चैनल फैमिली ब्लॉग वाला है, तो मैं दिन भर का मेरा जो रूटीन रहता है मैं वो ही दिखाती हूँ।
क्योंकि हम अलग तरीके से वीडियो मैं नहीं बना सकती, जैसी हूँ, जैसी हमारी लाइफ है, जैसा हमारा रहन सहन है, मैं वो ही दिखाती हूँ। तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, मगर आई डोंट केयर। मेरा जो काम है मैं वो करती रहूँगी, क्योंकि हम ब्लॉग बनाना है तो काम शुरू किया, तो ये काम तो हमें रोज़ करना है। घर का जो भी काम है चाहे रोज़ रोज़ वो ही दिखाई जाओ, मगर अपना जो काम है वो दिखाना ही है हमें। इसलिए तो ब्लॉग का मतलब भी यही है कि हम अपनी जो रियल लाइफ में क्या करते हैं तो वो ही दिखाना होता है। तो जहाँ पर ये सारा एरिया मेरा साफ़ हो गया था, तो ये टेबल बचे हुए थे तो बस ये ही रह गए थे, तो इसे भी अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। तो ये टेबल ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ पर ना खाना खाते हैं बैठकर, तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो ये भी ऐसे अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। ये दोनों टेबल मैं साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही झाड़ू पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ क्लीनिंग की वीडियो ही दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।